हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ्रेश नई वीडियो पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्वियस ह्यूमर। इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, एक्वियस ह्यूमर का कंपोजिशन क्या है, फिर एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन कैसे होता है और एक्वियस ह्यूमर का ड्रेनेज सिस्टम। और साथ ही साथ हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे एंटीरियर चेंबर के बारे में, पोस्टीरियर चेंबर के बारे में, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में और विट्रियस ह्यूमर के बारे में भी हम शॉर्ट में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं एंटीरियर चेंबर के बारे में। चेंबर का मतलब आपको पता ही होगा, स्पेस। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द बैक ऑफ कॉर्निया एंड पोस्टीरियरली बाय द आयरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। ये जो हमारा एंटीरियर चेंबर है, ये जो जगह है, वो किन किन पार्ट्स को कंबाइन करके, बाउंड करके बनी हुई है। उसमें एंटीरियरली देखा जाए तो कॉर्निया का बैक सरफेस आता है। उसके बाद पोस्टीरियरली देखा जाए तो जो आयरिस है हमारी, उसका फ्रंट सरफेस आता है और कुछ हिस्सा हमारी सिलियरी बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्व है। इन सब पार्ट्स को अगर हम कंबाइन कर ले तो ये एंटीरियर चेंबर फॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट इज द एंटीरियर चेंबर इज अबाउट 2.5 mm डीप इन द सेंटर इन नॉर्मल एडल्ट्स। जो हमारे नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो एंटीरियर चेंबर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो 2.5 mm है अगर हम उसे सेंट्रल से मेजर करें तो। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज शैलोअर इन हाइपरमेट्रोपस एंड डीपर इन मायोपस बट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन द बोथ आइज ऑफ द सेम इंडिविजुअल। जो हमारे हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होते हैं उनमें जो एंटीरियर चेंबर की जो डेप्थ होगी वो शैलोअर होगी, मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल एंटीरियर चेंबर की जो डेप्थ थी वो 2.5 mm थी, तो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट में वो 2.4 या फिर 2.3 mm हो जाएगी, मतलब कि कम होगी। और मायोपिक पेशेंट में एंटीरियर चेंबर की जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखें तो 2.5 mm होती है, पर मायोपिक पेशेंट में वो 2.6-2.7 हो सकती है। बट इज ऑलमोस्टली इक्वल इन दी बोथ आइज ऑफ द सेम इंडिविजुअल। अगर एक आँख में मायोपिक है जिसका पावर कम है, दूसरे आँख में मायोपिक है जिसका पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो दोनों की जो एंटीरियर चेंबर की जो डेप्थ होगी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट कंटेंट्स अबाउट 0.25 mL ऑफ एक्वियस ह्यूमर। ये जो हमारे एंटीरियर चेंबर है इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं, और ये एक्वियस ह्यूमर का अमाउंट कितना होता है, 0.25 mL होता है। अब हम स्टडी करते हैं पोस्टीरियर चेंबर के बारे में। उसका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ट्रायंगुलर शेप कंटेनिंग 0.06 mL ऑफ एक्वियस ह्यूमर। ये जो हमारा पोस्टीरियर चेंबर है ये ट्रायंगुलर शेप में है और इसके अंदर 0.06 mL एक्वियस ह्यूमर होता है, जैसे कि हमारे एंटीरियर चेंबर में 0.25 mL था। सेकेंड पॉइंट इज, इट इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आयरिस एंड पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी एंड पोस्टीरियरली बाय द क्रिस्टलाइन लेंस एंड इट जोन्यूल्स एंड लैटरली बाय द सिलियरी बॉडी। ये जो हमारा पोस्टीरियर चेंबर है ये किन किन पार्ट्स को बाउंड करके बना हुआ है, तो उसमें एंटीरियरली देखें हम तो आयरिस का बैक सरफेस आता है, पोस्टीरियर सरफेस, और कुछ सिलियरी बॉडी का पार्ट भी आता है उसके अंदर। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन लेंस आती है और उसके जोन्यूल्स भी आते हैं जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, और लैटरली अगर हम देखें लैटरल साइड में तो सिलियरी बॉडी। इन सब पार्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो फिर हमारे वहाँ पे एक कैविटी, एक चेंबर फॉर्म होता है, उसे हम पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं, जिसके अंदर 0.06 mL एक्वियस ह्यूमर होता है। अब हम स्टडी करते हैं एंटीरियर सेगमेंट के बारे में। उसका पॉइंट है, इट इंक्लूड्स क्रिस्टलाइन लेंस विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सिलियरी बॉडी बाय जोन्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्स एंटीरियर टू इट, दैट इज आयरिस, कॉर्निया एंड टू एक्वियस ह्यूमर फील्ड स्पेसेस, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर। अगर लेंस को हम एक बॉर्डर की तरह अज्यूम करें तो लेंस का जो एंटीरियर साइड है जिसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि आयरिस, कॉर्निया और एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर, ये सारे हमारे एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, पोस्टीरियर सेगमेंट इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू लेंस, दैट इज विट्रियस ह्यूमर, ए जेल लाइक मटेरियल विच फिल्स द स्पेस बिहाइंड द लेंस, कॉर्निया, कोरॉइड एंड ऑप्टिक डिस्क।
लेंस का जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं विट्रियस ह्यूमर, रेटिना, कोरोइड और ऑप्टिक डिस्क, ये सारे हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट में आते हैं। मतलब कि इन शॉर्ट, लेंस का जो एंटीरियर साइड है वहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे वो एंटीरियर सेगमेंट में आएंगे, और लेंस के पोस्टीरियर साइड जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट्स में आएंगे। अब हम स्टडी करते हैं एक्वियस ह्यूमर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, द एक्वियस ह्यूमर इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड फिलिंग द एंटीरियर चेंबर 0.25 ml एंड पोस्टीरियर चेंबर 0.06 ml ऑफ द आईबॉल। ये जो हमारा एक्वियस ह्यूमर है ये एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जो कि एंटीरियर चेंबर में कितना होता है 0.25 ml होता है और पोस्टीरियर चेंबर में 0.06 ml होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन एडिशन टू इट्स रोल इन मेंटेनिंग ए प्रॉपर इंट्राओक्युलर प्रेशर, इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रोल बाय प्रोवाइडिंग सबस्ट्रेट्स एंड रिमूविंग मेटाबॉलिटिस फ्रॉम द एवेस्कुलर कॉर्निया एंड द क्रिस्टलाइन लेंस। मगर जो एक्वियस ह्यूमर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राओक्युलर प्रेशर को मेंटेन करने में। सेकेंडली, वो मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग सब्सट्रेट्स, मतलब कि वो कॉर्निया और लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड थर्डली, रिमूविंग मेटाबॉलिटिस फ्रॉम एवेस्कुलर कॉर्निया एंड क्रिस्टलाइन लेंस, मतलब कि कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस में जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, उसे वो ड्रेन आउट करता है, क्योंकि एक्वियस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूसली होता है और उसका जो ड्रेनेज है वो भी कंटिन्यूसली चालू होता है, जिस वजह से अनवांटेड सब्सटेंस, वेस्ट मटेरियल हमारे आंखों में से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट मेंटेन्स ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। एक्वियस ह्यूमर ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, जिस वजह से रिफ्रैक्शन ठीक से होता है और हमें क्लियरली दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट टेक्स द प्लेस ऑफ लिम्फ दैट इज एब्सेंट विद इन द आईबॉल। हमारे आईबॉल में लिम्फ एब्सेंट होता है और जो एक्वियस ह्यूमर है वो लिम्फ के जगह काम करता है, लिम्फ के तरह काम करता है। लिम्फ क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो वो एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है, जिसमें कि WBCs कंटेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को फाइट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होता है उसे हमारे बॉडी से फ्लश आउट करता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वियस ह्यूमर इज 1.336। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्वियस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.336। अब हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन के बारे में कि एक्वियस ह्यूमर किन किन सब्सटेंस से बना हुआ है। उसमें फर्स्ट आता है वाटर 99.9% एंड सॉलिड्स 0.1%। एक्वियस ह्यूमर हमारा 99.9% वाटर से बना हुआ है, इसलिए हम उसे क्लियर वाटरी फ्लूइड बोलते हैं एंड 0.1% सॉलिड से बना हुआ है। सॉलिड्स में क्या क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन्स, जो कि कोलोइड कंटेंट है 5 to 16 mg/%। सेकेंड इज अमाइनो एसिड, अबाउट 5 mg/kg वाटर। थर्ड इज नॉन कोलोइड कंस्टिट्यूएंट्स इन मिलीमोल्स पर केजी वाटर आर, फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज यूरिया, थर्ड इज एस्कॉर्बेट, फोर्थ इज लैक्टिक एसिड, फिफ्थ इज इन ओसिटोल, सिक्स्थ इज सोडियम, सेवेंथ इज पोटेशियम, एट्थ इज क्लोरीन, नाइन्थ इज बाइकार्बोनेट, जिसे ही हम HCO3 बोलते हैं। दी लास्ट पॉइंट इज, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एक्वियस इन डिजॉल्व स्टेट। इसमें जो एक्वियस ह्यूमर में जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व स्टेट में पाया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन के बारे में कि एक्वियस ह्यूमर कैसे प्रोड्यूस होता है। उसका फर्स्ट पॉइंट है, एक्वियस ह्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मा विद इन द कैपिलरी नेटवर्क ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस। जो हमारा एक्वियस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, उसका प्रोडक्शन सिलियरी बॉडी में होता है, कैपिलरी नेटवर्क्स में होता है। सेकेंड पॉइंट इज, द नॉर्मल एक्वियस प्रोडक्शन रेट इज 2.3 micron/min। जो नॉर्मल एक्वियस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो 2.3 micron/min है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQs के फॉर्म में। थर्ड इज, थ्री मैकेनिज्म्स आर देयर विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल और इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट्स प्रोडक्शन एट डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सिक्रीशन,
एंड थर्ड इज डिफ्यूजन। तो इसे वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा सब्सटेंसेस पास आउट फ्रॉम द कैपिलरी वॉल्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पिगमेंट इपिथेलियम ऑफ द सिलियरी प्रोसेसेस। दस द प्लाज्मा फिल्ट्रेट एक्यूमुलेट बिहाइंड द नॉन पिगमेंट इपिथेलियम ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहले तो फर्स्ट मैकेनिज्म है प्रोडक्शन में। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा सब्सटेंस होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिलियरी प्रोसेस है उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें होता है स्ट्रोमा जो कि एक पार्ट है, उसके बाद आता है पिगमेंट एपिथेलियम, उसके बाद आता है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम जो कि लेयर्स है। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा सब्सटेंस होता है वो स्ट्रोमा से पास आउट होता है कैपिलरी वॉल्स से लूज कनेक्टिव टिश्यू और पिगमेंट एपिथेलियम से पास होके ये नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम में जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और इन सब प्रोसेस के बीच में वो फिल्ट्रेट भी होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यही प्रोसेस होता है। सेकेंड इज सिक्रीशन। फर्स्ट पॉइंट इज द टाइट जंक्शंस बिटवीन द सेल्स ऑफ नॉन पिगमेंट एपिथेलियम क्रिएट पार्ट ऑफ ब्लड एक्वियस बैरियर। जो सेल्स हैं नॉन पिगमेंट एपिथेलियम के वो एक दूसरे के साथ जाके बाइंड होते हैं, टाइट जंक्शन होता है जिससे कि वो एक पार्ट फॉर्म करते हैं ब्लड एक्वियस बैरियर का। सेकेंड पॉइंट इज सर्टन सब्सटेंसेस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस बैरियर इनटू पोस्टीरियर चेंबर। कुछ कुछ सब्सटेंसेस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इन बैरियर्स के थ्रू पोस्टीरियर चेंबर में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता ही होगा, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। थर्ड पॉइंट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय Na+K+ एक्टिवेटेड एटीफेस पंप एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम सिस्टम। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये कब पॉसिबल होता है, जब सोडियम और पोटेशियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है ये एक्टिवेट होते हैं, तब सब्सटेंसेस है जो सर्टन सब्सटेंसेस है वो पास आउट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिवली। फोर्थ पॉइंट इज सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इंक्लूड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम एस्कॉर्बिक एसिड अमाइनो एसिड्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये जो सब्सटेंसेस मैंने आपको बताया ये पास आउट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड द थर्ड इज डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस अक्रॉस द नॉन पिगमेंटेड सिलियरी एपिथेलियम रिजल्ट्स इन एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ अदर प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट्स इनटू द पोस्टीरियर चेंबर बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, मतलब कि जिसे एनर्जी लगती हो, मतलब कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है सब्सटेंस, तो इसमें क्या होता है ये जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट जब होते हैं नॉन पिगमेंटेड सिलियरी एपिथेलियम के थ्रू, तो वहाँ पे वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर्म होता है। मतलब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेशर फॉर्म करते हैं जो कि वाटर को मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल वाटर एरिया टू लो पोटेंशियल वाटर एरिया। मतलब कि जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे जो एरिया में वाटर कम है उस साइड वो फोर्स करता है वाटर को मूव करने में, उसे ही ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बोलते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारे प्लाज्मा कंटेंट्स है कंस्टिट्यूएंट्स है वो मूव होते हैं पोस्टीरियर चेंबर में। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन इन दोनों प्रोसेस की वजह से। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोडियम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द पोस्टीरियर चेंबर। ये जो सोडियम है ये वहाँ पे प्रेशर फॉर्म करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिस वजह से हमारा जो वाटर है वो मूव होता है पोस्टीरियर चेंबर में। सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू पोस्टीरियर चेंबर। अब हम स्टडी करते हैं ड्रेनेज के बारे में कि एक्वियस ह्यूमर कैसे ड्रेन आउट होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक्वियस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, तो फिर उसका ड्रेन आउट भी ज़रूरी है। तो ड्रेन आउट कैसे होता है आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्वियस ह्यूमर फ्लोस फ्रॉम पोस्टीरियर चेंबर इनटू द एंटीरियर चेंबर थ्रू द प्यूपिल अगेंस्ट स्लाइट फिजियोलॉजिक रेजिस्टेंस।
जो हमारा एक्यूस ह्यूमर है वो पोस्टेरियर चेंबर में आता है, सिलरी बॉडी के थ्रू वो पोस्टेरियर चेंबर में आता है। फिर पोस्टेरियर चेंबर से वो मूव होता है एंटीरियर चेंबर में थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल के वहाँ से वो एंटीरियर चेंबर में पास आउट होता है। सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम एंटीरियर चेंबर द एक्यूस इज ड्रेन आउट बाय टू रूट्स। एंटीरियर चेंबर में आने के बाद एंटीरियर चेंबर से वो दो रूट्स के थ्रू आउटफ्लो उसका होता है। फर्स्ट इज ट्रैबेक्यूलर मिशवर्क आउटफ्लो एंड सेकेंड इज यूएस क्लेरल आउटफ्लो। फर्स्ट इज ट्रैबेक्यूलर आउटफ्लो। ट्रैबेक्यूलर मिशवर्क इज द मेन आउटलेट फॉर एक्वियस फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ टोटल एक्वियस इज ड्रेन आउट थ्रू दिस रूट। ये जो ट्रैबेक्यूलर आउटफ्लो है बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलेट है जहाँ से 90% एक्वियस ह्यूमर ड्रेन आउट होता है। ट्रैबेक्यूलर मेशवर्क से फिर ये पास आउट होता है कैनल ऑफ स्लेम में, कैनल ऑफ स्लेम से ये पास होता है कलेक्टर चैनल्स में। सेकेंड आउटफ्लो इज यूवियस क्लेरल आउटफ्लो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10% ऑफ टोटल एक्वियस आउटफ्लो। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यूवियस क्लेरल आउटफ्लो कहाँ पे होता है, तो ये जो यूवियस क्लेरल आउटफ्लो है यहाँ से 10% एक्वियस ह्यूमर ड्रेन आउट होता है। अगर इसकी पाथवे की बात करें तो ये पहले सिलेरी बॉडी में जाता है, फिर वहाँ से सुप्रा कोरोइडल स्पेस में जाता है, फिर वहाँ से वेनस सर्कुलेशन में जाता है। सिलेरी बॉडी के, कोरोइड के और स्क्लेरा के वेनस सर्कुलेशन में जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लगी हो यूजफुल तो वीडियो को कर दो लाइक और मुझे सपोर्ट करने के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं।